सिर्फ कुछ ही दिन बाकी बचे थे उसका ख्वाब पूरा होने में, मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनने का ख्वाब। मगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक हादसे ने नवीन गुलिया की दुनिया ही बदल दी। उस हादसे में एक फौजी अफसर अपाहिज हो गया। पूरे 2 साल बाद नवीन हॉस्पिटल से बाहर आया, वो भी व्हील चेयर पर। पैर नहीं थे पर हौसला जिंदा था और बुलंद भी। नवीन ने ड्राइविंग सीखी। दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे खरदुंगा पास से उसने गाड़ी चलाई। हैंड ग्लाइडर्स से आसमान में उड़ान भरी और फिर दोबारा एक लम्हे ने नवीन की जिंदगी बदल डाली। कड़ाके की सर्दी में मौत के करीब एक बेघर बच्चे को नवीन ने देखा। उसने बेघर बच्चों को ममता बांटने का इरादा कर लिया। ये अपनी दुनिया अपना आशियाना की शुरुआत थी। ये संस्था पुराने कपड़े जमा करके जरूरतमंद बच्चों में बांटती है। संस्था की चाइल्ड हेल्पलाइन है, बच्चों के लिए किचन भी है। ये संस्था बेघर बच्चों का अपना घर बन गया है। अपने हौसलों से अपनी जिंदगी बनाने वाला नवीन गुलिया आज दूसरों का सहारा बना है। इंदिरा ग्रुप का नवीन को दिल से सलाम।